हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि CBSE में कई बार आ चुका है, जो कि क्लास 10 का है। ये क्वेश्चन है, व्हाई बायोगैस इज़ कंसीडर्ड टू बी अ बून टू द फार्मर्स, कि जो बायोगैस है ये एक एक्सीलेंट फ्यूल की तरह क्यों यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। इसके बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही इजी पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो बायोगैस है वो पोल्यूशन फ्री है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, है ना, कोई धुआं नहीं निकलता, कोई स्मोक नहीं निकलता, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फ्यूल है। सेकंड रीज़न आप ये बता सकते हैं कि ये बहुत सस्ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ करते हैं, जो प्लांट्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, उनका जो वेस्ट हो गया, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, फ्रूट्स के छिलके हो गए, ठीक है, प्लांट्स के पत्ते, उनकी खाल वगैरह होगी, सॉरी, या काऊ डंग, जो कि गोबर हो गया, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो काउस वगैरह होती हैं वो आम होती हैं, ठीक है, नेचुरली होता है, उनके पास गायें होगी, भैंस होगी, तो उसका जो गोबर है उसको भी इसको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, उससे क्या है, बायोगैस प्रोड्यूस होगी जो कि अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स, उनको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक बार प्लांट लगवाने का थोड़ा सा खर्चा आएगा, उसके बाद ये सारा का सारा सिस्टम उनके लिए इतना सस्ता है, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट है कि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। थर्ड रीज़न आप ये बता सकते हैं, जो रिमेन्स होते हैं और जो यूज्ड स्लरी होती है इन बायोगैस प्लांट, वो क्या है, यूज़ की जा सकती है एज अ मैन्योर, एज अ खाद की, उसको क्या है, फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड्स टू गेट गुड यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, ताकि जो है वो जो फसलें हैं जो उनकी उनके उनकी जो अच्छी पैदावार हो, ठीक है, अच्छी उनकी जो ग्रोथ हो फसलों की, ठीक है, तो एक मैन्योर जो यूज़ कर रहे हैं, एक होता है फर्टिलाइज़र जो कि सिंथेटिक होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मैन्योर है वो हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो फार्मर्स हैं उससे जो स्लरी जो उससे जो रिमेन्स जो बचे हैं बायोगैस प्लांट से, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसको एज अ मैन्योर जब वो यूज़ करते हैं तो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो कि जिन्हें जिनसे बनी चीज़ों से, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने किसी भी चावल की खेती की है, उसमें उसको डाल दिया, तो वो चावल क्या है, हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि जो बायोगैस है एक एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है फॉर द फार्मर्स, टू द फार्मर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक दो बार आ चुका है CBSE में क्लास 10 में, तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।